home, we prepare only Indian food. मैदा लिया, मैदा के बाद थोड़ा सा नमक एंड ऑयल, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड फिर हम डो बनाएंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे एंड इसकी कंसिस्टेंसी रोटी के नॉर्मल जो आटा होता है उससे हल्का सा टाइट रहेगा। डो को आधा घंटा के लिए आप उसको रख सकते हैं वेट टॉवल में या वेट हैंकी में कवर कर। कचौरी का मसाला बनाएंगे, उसके लिए हमें एक कढ़ाई गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल, तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, कच्ची लहसुन बारीक कटी। जब लहसुन लाल हो जाएगी उसमें हम बॉयल्ड आलू डालेंगे मैश करके। इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर डालेंगे। वन टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन डालने से कचौरी से मसाला निकलेगा नहीं और ये इसको बाइंड कर देगा आलू को। आलू को ठंडा करने के लिए आप इसे एक बाउल में निकाल लें एंड उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसमें कच्ची प्याज मिला दें। आलू का पोषण कम रहेगा और प्याज का ज़्यादा रहेगा। अब आलू का मसाला ठंडा हो गया है इसलिए हम इसमें थोड़ी सी प्याज मिलाएंगे। टाइम लगेगा। अभी हमारा मसाला तैयार है इसलिए अब जो डो हमने बनाया है मैदा का उसको हम बेल के कचौरी को देंगे। हम थोड़ा मसाला लेंगे जिससे इसकी जो फिलिंग है वो कचौरी से बाहर ना आए। रोटी की जितना लोई आप ले सकते हैं उसको थोड़ा पतला बेलना है। मसाला बनने के बाद हम इसका इसको बंद करेंगे। अगर थोड़ी सी मैदा ऊपर बच गई है एक्स्ट्रा जो है उसको आप रोल करके एंड एक्स्ट्रा को हटा सकते हैं। इस तरह हम इसको बंद कर देंगे सब तरफ से जिससे कि जब हम बेलेंगे तो मसाला बाहर नहीं आए। जो अभी हमने स्टफिंग करके रखी है उसको हम बेलन से भी बेल सकते हैं या फिर हाथ से हम इसको धीरे धीरे स्लाइटली प्रेस कर सकते हैं। तेल एक बार गर्म करके आप उसको गैस धीरे कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉस। उसके बाद हम धीरे धीरे कचौड़ी डालेंगे। इसको आप थोड़ा दबा दबा के फ्राई करिए जिससे इक्वली वो सब तरफ से फ्राई हो जाए। ये इसका कलर एक लाइट ब्राउन हो गया है एंड क्रिस्पी हो गया। जैसे ये उसमें ऑयल में फ्लोट करने लगेगा इट मीन्स कि वो रेडी है।